आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है एलडीसी क्लर्क नागपुरी क्लास, जो हम लोग बनफुल भाग कहानी का जो है शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं। सारे क्लास हो चुके हैं, लोक संगीत, व्याकरण, टोटल लोक साहित्य का हो गया है, बनफुल भाग वन कविता का टोटल क्लास, हिंदी अनुवाद हो गया है, बस ये कहानी बचा हुआ था। कहानी का शॉर्ट नोट्स, वीवीएनसी, एमसीक्यू सारे देखने वाले हैं। सारे क्लास कहानी का भी हो गया, बस एक क्लास बचा है सोना कर केस, जो लोक कथा है। आपसे पूछ देगा सोना कर केस क्या है, तो यह एक कहानी नहीं है, लोक कथा है, हमेशा याद रखिएगा। जिक्र संकलन करता है शशिकला मिश्र, ठीक ना। तो चलिए, और इससे पहले मैं बता दूं कि एलडीसी का कॉम्बो कोर्स जो है 599 में दिया जा रहा है, ठीक है। P2 यानी पेपर 2 हिंदी खोटा नागपुरी, 299 में झारखंड जी के जो है 199 में दिया जा रहा है। P2 प्लस झारखंड जी के दोनों लेते हैं तो आपको जो है कितना में दिया जा रहा है, यहाँ 399 में दोनों दिया जा रहा है, ठीक है। 399 में झारखंड जी के टेस्ट सीरीज जो है 149 में दिया जा रहा है, और कंप्यूटर जी के कंप्यूटर का कोर्स 149 में दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग जो कहानी है स्टार्ट करते हैं, सोनाकर केस। सोनाकर केस स्टार्ट करते हैं, जगह प्रस्तुति करता यानी कि संकलन करता शकुंतला मिश्र है। सोनाकर केस का लिखवाया के है कई शकुंतला मिश्र, एक ठोराइज दुई गो के रहत रहें, तो बूढ़ा बूढ़ी, एक ठोराइज में दू गो के रहत रहे बूढ़ा बूढ़ी। बूढ़ा बूढ़ी कर पड़की अंडा लखे कै गो बेटा रहे, पड़की अंडा लेके बूढ़ा बूढ़ी का पड़की अंडा, जिसमें पोड़की का अंडा होता है ना, उसी प्रकार से बूढ़ा बूढ़ी के बेटा कितना था, तो दुई ठो। बड़ बेटा का नाम रहे तो झगड़ू, छोट बेटा का नाम रहे तो मंगरू, ठीक है। नेक्स्ट छठा नंबर प्रश्न है, दोनों भाई काम में तेज रहे तो तीरंदाजी में तेज रहे। नेक्स्ट सातवां नंबर प्रश्न है, दुयो भाई का लखे उस्ताद रहे तो शिकार खेलक में दोनों उस्ताद रहे। उस्ताद कहने का मतलब कि मास्टर, तो दोनों भाई जो है क्या चीज में उस्ताद रहे, तो शिकार खेलक में उस्ताद रहे, ठीक है। लंबा और दोनों भाई का रोज मार के का लानत रहे तो लंबा कोटरा और हरिन। नवा नंबर प्रश्न है, कई दिन से भूखे प्यासे रहे तो दो दिन से भूखे प्यासे रहे। बूढ़ा बेटा मन के बुलाए के का कहले कि कोना में दुई गो गगरा गाइड है जेकर में रुपया है। बूढ़ा बाप छोटका बेटा और माई कर ख्याल रखे के लिए केकरा कहलक, तो बड़का बेटा के। बारह नंबर प्रश्न, बड़का बेटा के बाप का कहे के सगर सरग ना सिधार गिलक, तो छोट बेटा और माई कर ख्याल रखे के लिए, और बोला कि दो घड़ा जो है कोना में गाड़ा हुआ है, वहाँ से रुपया निकाल लेना, ठीक है। तो ये चीज़ बोला है। नेक्स्ट प्रश्न, बाप के बताल गाढ़ा के खोदलक तो बड़ बेटा, बड़ बेटा एक ठो गगरी से पैसा निकलाए कर भर दिले पखन, ठीक है। पंद्रह नंबर प्रश्न, पखन भरल गगरी के ऊपरे से गगरी के मुख में रुपया धर देवेला कौन, बड़ बेटा। सोलह नंबर प्रश्न है, रुपया एक ठो गगरी के रुपया के लुकाई देवेला, तो बड़ भाई यानी कि बड़ बेटा। के कहलक कि दुयो गगरी में फोड़ के निकाल देली जे भारी है से चुन ले, तो छोट बेटा के ऊ कहलक, तो बड़ भाई। रुपया बांटल बाद झगड़ू बड़ भाई से छोट भाई और माई के छोड़ के कहाँ चल गेलक, तो कमाए खाए। डहरे ठीन कोई भान कोई मतलब कि कौन भाई कांदेला, तो छोट भाई। बड़ भाई छोड़कर जाए कर माई कहाँ गेल रहे ना, कहने के बड़ बेटा छोड़कर जाए कर माई कहाँ गेल रहे, तो जंगल काठी लाने। 21 नंबर प्रश्न है, माई काठी लाने जंगल गेल रहे तो कितना दिन नहीं घुरलक, तो दो ही दिन से नहीं घुरलक, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, छोट बेटा मंगरू चले शुरू कर ले, चलते चलते कहाँ पहुँच ले, तो एक ठो राजा घर। छोट बेटा मंगरू के राजा घर पहुँचलक तो कहाँ ढोई गेलक, तो छगरी कोठरी में, छगरी कोठरी मतलब बकरी कोठरी में। 24 नंबर प्रश्न है, मंगरू के छगरी कोठरी में बड़रायक ढुकलक तो के देख लेलक, तो धांगरीन बुढ़िया। 25 नंबर प्रश्न, बुढ़िया मंगरू के देखल बाद केकर पास गेले राजा ठीन, राजा के राजा जो है के बुला ले बुलवा ले, तो मंगरू के बुलवा ले। मंगरू अपन सब हाल विपरीत के बतालक राजा से, तो केकर से बतालक राजा से। 28 नंबर प्रश्न है,
राजा के मंगरू छोड़ा पर माया लागल बाद राइक लेलक छगरी चरवाहा खातिर। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न, मंगरू के आब सब लोग कही के हाँके के बोलक लागल, तो छेरिया कुंवर बोलक लागल। अब छेरिया कुंवर का कर हिसाब राखे के लगल, तो छगरी कर। नेक्स्ट, मंगरू यानी कि छेरिया कुंवर, मंगरू वही था छेरिया कुंवर ही, कर बाई छगरी कर हिसाब सुन के राजा का बनाए दिले, तो भंडारी उके बनाए दिले। 32 नंबर प्रश्न, राजा कर कैगो बेटी रहे, तो एगो। राजकुमारी के नहात नहात के मैल जमा करते करते का तैयार हो गलक, तो एगो गज तैयार हो गलक। एक दिन रानी छोड़ी राजा से कहलक कि जे ई गज के चिन्ही सेकर से बिहा हम करब। राजा बैठक बुलालक और सब लोग से गज पहचाने के लिए बोले कि कौन गज के न ये जो है कौन कौन गज के नाम बोल रहे, तो महुआ कटहर महुआ यही सब दुनिया के सब गज का नाम आले लेकिन पहचाने के नहीं पा रहे। नेक्स्ट 36 मतलब ऊ गज के पहचानी पहचानलक के ईदानी कर मैल कर गाछ के, तो ये छेरिया कुंवर पहचाना, तो फिर क्या हुआ। 37 नंबर प्रश्न जो है, राजा अपन बेटी का ब्याह केकर से ठाट बाट से शादी करा ले, तो छेरिया कुंवर संग। मंगरू यानी कि छेरिया कुंवर यानी कि और रानी बेटी राजा रानी तय रहे के लगल। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न, झगड़ू के पैसा सिराल बात न का कर भेस धैल लग, तो साधु यानी जोगी कर भेस धैल लग। राजा कर बहुत बड़ा बगीचा रहे ना, तो वो का कर बगीचा रहे, राजा कर बहुत बड़ा बगीचा का कर रहे, तो अम्बा कर। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न, झगड़ू मांगते खांगते बगीचा पहुँचलक, तो पहरेदार के मना करने के बाद भी अम्बा खालक, तो पहरेदार केकर पास ले गए, राजा के पास छेरिया कुंवर रहे, जो कि राजा कौन रहे छेरिया कुंवर। राजा अपन भाई के चिन्ह केकरा के नहवालक धोवालक और बोलक, तो कारिंदा। नैन रानी नदी नहाए गलक, तो झैर के बोहाई गलक, केस काची केस बोहा गया था। बेल में जो है यानी कि बेल में केस नदी बहात रहे, तो रानी यानी कि जो है नदी में केस के कर बहात रहे, तो रानी कर। ओहे नदी कर हेरे बट पानी में के नहात रहे, तो ओकर भांसुर झगड़ू। 46 नंबर प्रश्न है, नदी में जो है बेल बहाते बहाते केका ठीन पहुँचलक, तो भैंसुर ठीन। 47 नंबर प्रश्न है, भैंसुन जो भैंसुर है, भैंसुर कहा जाता है, जैसे कि एक मंझला भाई है तो उसकी पत्नी और यानी कि जो भाई का बड़ा भाई वो भैंसुर कहलाता है मंझला भाई के पत्नी का। ठीक है, तो भैंसुर जब बेल के पखन पर पटकलक और फोड़ दलक, तो उकर में से का निकलक, तो केस जो सोना लेके चमकत रहे। भाव को लेके केकर मन में पाप समाय गए, तो झगड़ू कर। झगड़ू मने मन के मारे खोज ले, तो मंगरू राजा के। मंगरू राजा शिकार करे के लिए मंगरू राजा के कहाँ ले जात रहे, तो वन में। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न, राजा छेरिया कुंवर काले गांव में ढिंडोरा पिटवा दिले, तो शिकार खेले जाए के लिए। शिकार खेले दोनों भाई वन में जाएगा। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न है, झगड़ू के बंदूक से मार दिलक, तो मंगरू यानी कि छोट भाई छेरिया कुंवर के। छेरिया कुंवर कर लाश के कौन पतई से ढाँप दिलक, तो आसन पतई से ढाक दिलक, कौन ओकर बड़का भाई। रानी कै देवड़ी पार करके मतलब कि जो दूरा है ना देवड़ी यानी कि दूरा कोठरी भीते बैठ रहे, तो सात। छेरिया कुंवर का चलते चल गलक, तो सोना कर केस कर चलते चल गलक। 57 नंबर प्रश्न है, छेरिया कुंवर रानी के का दोना में दे रहे, तो एक दोना में दूध दूसर दोना में पानी। रानी से के कहलक कि दूध अगर दोना लहू में हो जाए तो समझे हम ना रह, तो छेरिया कुंवर। ये कौन बोला था अपने रानी से, छेरिया कुंवर बोला था। झगड़ू यानी कि भैंसुर महल में पहुँच कर के हकाले, तो भाहो यानी रानी कर। 60 नंबर प्रश्न है, भैंसुर अपन भाहो ठीन पहुँच तो गेलक, तो भाहो का कहलक कि हम आपके ही हैं, मंगरू के लास्ट ठीन ले चलो। रानी कर राजा है ना, रानी राजा कर मूड़ कोरा राय के बिलैक बिलैक के कांदे के लगल और का होबे के लगल, धरती से आकाश तक बिलैक बिलैक के उठे के लगल। मंगरू का लाने के लिए भूल गेल रहे, तो आई लाने के लिए भूल गेल रहे। राजा छेरिया कुंवर जो है पोड़े के देह के है ना देखले दिन में का उग गलक, तो चांद और तारा उग गलक। के कहलक हे धरती आकाश पताल चांद तरिकन देवी देवता, सच में छेरिया कर पवित्र जनाना हो तो आरोपी आई लग जाओ छेरिया कर रानी। कौन बोली थी, छेरिया कर रानी।
राजा जो है राजा छेरिया कुंवर कर संगे कौन सती हो गए तो ओकर रानी, और सोना कर केस कौन विद्या में छपल आए तो लोक कथा है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है आपका टोटल कंप्लीट हो गया, यानी LDC का संपूर्ण कोर्स समाप्त हो गया। ज्वाइन द AD झारखंड क्लासेस ऐप एंड AD क्लासेस ऐप, ठीक है, क्योंकि सारे कोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करा दिया है LDC के लिए, JSSC CGL के लिए। JSSC CGL के लिए पेपर 2 में नागपुरी हिंदी खोटा पेपर 2 है, वो AD क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। और JSSC CGL का जो है 799 में अभी कॉम्बो कोर्स का ऑफर फ्री है, देन ज्वाइन कर सकते हैं। देन धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।